ये कोविड संक्रमण के मद्देनज़र लॉकडाउन आदेशित किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसके अतिरिक्त जो अति आवश्यक सेवाओं हेतु लोगों को छूट दी गई है उसका फ़ायदा उठाते हैं और अनावश्यक बाज़ार में घूमते हैं। ऑनलाइन सेवा चालू होने के बावजूद भी लोगों का अनावश्यक मार्केट में घूमना या अन्य कारणों से घूमना, ये प्रतिबंधित करने के बावजूद भी ये घूमते पाए जाने पर आज लगातार हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कोतवाली थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी दोनों के साथ में मिलकर अलग अलग जगह पर पॉइंट्स लगाए गए थे और इस दौरान लगभग 195 वाहनों को रोका गया है और उस पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त बिना मास्क के पाए जाने पर भी लगभग 40 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त 7 दुकानें ऐसी पाई गई थी जो कि कोविड संक्रमण के दौरान जारी गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इस पर इन 7 दुकानों पर लगभग 7 दुकानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और इस प्रकार ये जो नियमों का उल्लंघन करने आए वाले व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार की जा रही है। यातायात और मास्क, बिना मास्क पर कार्रवाई करने के दौरान लगभग 68,000 रुपये समन शुल्क वसूली की गई है और इसके अतिरिक्त 7,500 रुपये दुकानों से वसूले किए गए हैं जहां पर इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया।